Assalamualaikum viewers, मैं हूं मिर्जा रियाज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MR रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने YouTube चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया रावलपिंडी संभाग की मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ का विजिट करवाने का। हमने मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी का विजिट भी करवाया जिसमें प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर्स भी थे और CDA सेक्टर्स के भी। तो इस वक्त मैं जो हूँ CDA सेक्टर F17 यानी टेली गार्डन और मल्टी प्रोफेशनल सोसाइटी है उसके बाहर मौजूद हूँ। F17 CDA सेक्टर है ये। इसकी अगर मैं लोकेशन को दिखाऊँ तो ये आपका तन्नौर फतेह जंग रोड है। मैं क्योंकि अभी फैसल टाउन से आ रहा हूँ तो ये जो ट्रैफिक मेरी अपोजिट साइड पे जा रही है ये फतेह जंग की तरफ जा रही है और ये जो गाड़ियाँ उस तरफ जा रही हैं ये आपकी तन्नौर की तरफ जा रही हैं। तो तन्नौर फतेह जंग रोड के ऊपर इसका लोकेशन है। मेन इंटर पॉइंट इसका यहाँ पे है। इसके दो गेट्स हैं। पहले इसका मल्टी का गेट था वो यूज़ हो रहा था। अभी रिसेंटली जो हुआ इसका आपका जो मेरा लेफ्ट साइड पर अगर गेट दिखाएं तो इसका रिसेंटली ये गेट जो है टेली गार्डन का ये गेट यहाँ पे ओपन हो गया। तो अभी हम इसी गेट से अंदर जाएंगे। पहले ये कुछ अरसे से ये गेट बंद किया हुआ था। अभी टेली वाले थोड़ा काम शाम कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले काम उन्होंने यही किया है कि अपना गेट ओपन कर लिए। इस सोसाइटी के माइनस पॉइंट बहुत ज्यादा हैं लेकिन सबसे पहले जो माइनस पॉइंट है वो इसका जो रेलवे ट्रैक है। ये आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं इसका। दिन में यहाँ पे दो दफा जो है वो ट्रेन आती है। एक दफा यहाँ से गुजर के जाती है। आपका ये रूट जो है तन्नौर आपका मियाँ वाली और आपका कोहाट वाली साइड का ये रूट है और एक दफ़ा जाती है और एक दफ़ा आती है जो फाटक बंद हो जाते हैं। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। बाकी आपको आगे चलते हैं वीडियो में माइनस पॉइंट्स और भी आपको बताते हैं। अभी मैं जो गेट इसका क्रॉस करके आ गया हूँ जी इसका टेली का मेन बुलेवार्ड है जो आप देख रहे हैं जी इसका मेन बुलेवार्ड है। लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर जो है कनाल की कटिंग है। यहाँ पे CDA सेक्टर F17 की अगर आपसे मैं बात करूँ तो इसके सिर्फ दो ही सेक्टर्स जो है वो डेवलप है 3 और 4। 1, 2 जो है वो अभी सारे नॉन डेवलप है। इसमें जो 4 है वो मल्टी के अंदर आता है और 3 जो है वो टैली के अंदर आता है। टैली गार्डन में कुछ जगह जो है वो नॉन एक्वायर है यानी नॉन पोजेशन एरिया वो अभी सोसाइटी ने वो लैंड एक्वायर नहीं की हुई लेकिन उसकी फाइलें जो है या प्लॉट्स जो है वो सेल किए हुए हैं। आप मौके पर भी जाके प्लॉट दे सकते हैं लेकिन आप घर नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पर रोड नहीं है। आपका सीवरेज सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह वहाँ पर नहीं है। कुछ जगहों पे जो है वो इन्होंने सारा सिस्टम किया हुआ है जी। अब मैं टैली में इस वक्त हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये टैली का सारा कमर्शियल एरिया है। ये छोटा सा इन्होंने मिनी मॉक्स भी बनाई है फैसल मस्जिद की चर्च पे ये बनी हुई है जी। इसका मिनी कमर्शियल है टैली गार्डन का। अभी मैं ये टैली गार्डन में हूँ। टैली गार्डन में जो प्लॉट्स की कटिंग है वो 7 मरला है 12 मरला है और आपका 1 कनाल है। 7 मरला की जो कटिंग है वो इसकी गलियों में है मेन बुलेवार्ड पे जिसपे मैं अभी आया हूँ। यहाँ पे आपको जो कटिंग मिलती है वो कनाल की मिलती है। अंदर जो 50 फुट या 60 फुट की जो गली है वहाँ पे आपको 12 मरला की मिलती है और 40 फुट की जो कटिंग 40 फुट की जो गली है वहाँ पे आपको 7 मरला की कटिंग मिलती है। इस वक्त मैं टैली में ही हूँ और टैली की ये आपको मैं लेके जा रहा हूँ 7 मरला की कटिंग में। ये अब जो सारी कटिंग है वो 7 मरला की है। ये आगे नॉन पोजेशन एरिया है सारा लेकिन आगे लोगों के जो है वो प्लॉट्स वगैरह हैं सारे लेकिन ये सारा नॉन एक्वायर है। सोसाइटी ने जो लैंड एक्वायर नहीं की ये इसकी 40 फुट की गली है और यहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग है वो सारी 7 मरला की है जी। आपको मैं TNT के गलियों का विजिट करा रहा हूँ। ये इसका पार्क है टैली का जी। आप इसका पार्क देख रहे हैं। सारी जो कटिंग है यहाँ पे वो 7 मरला की है और 10-14 मरला की जो कटिंग है वो 60 फुट गली में 40 फुट गली में 7 मरला है और मेन बुलेवार्ड पे जो है आपका 1 कनाल आ गया। इसी तरह जो आपका मल्टी प्रोफेशनल है F17-4 वहाँ पे भी जो अंदर गलियों में कटिंग है वो आपकी 7 मरला की है और मेन रोड की जो कटिंग है वो कनाल की और जो 50 या 60 फुट की गली है वहाँ पे जो कटिंग है वो 12 मरला की है। ये 4 ही कटिंग है जहाँ पे यानी 7 मरला 14 मरला और 1 कनाल इन दो सेक्टर्स में फुली डेवलप है। आपको मस्जिद मार्केट स्कूल्स वगैरह यहाँ पे बने हुए मिल जाते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है। इसके बिल्कुल साथ ही आगे आपको CDA सेक्टर गुलशन सेहत मिल जाती है E18 उसके साथ ECHS है इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव। F17 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ही 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको फैसल टाउन है और उसके साथ ही आगे तन्नौर फतेह जंग आपका मोटरवे इंटरचेंज है। आप मोटरवे से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं और GT रोड से अगर आप आएँ तो तन्नौर से आप इसको जो है F17 को वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं लेकिन जिस तरह आपने अभी वीडियो में देखा कि उस रोड पे सिंगल रोड है और हैवी ट्रैफिक है वहाँ पे तो ज़्यादातर लोग जो है वो इसको यहाँ से अप्रोच करते हैं आपको मोटरवे से ही लेकिन वहाँ से क्योंकि शॉर्ट है तो लोग वहाँ से भी इसको जो है वो अप्रोच कर जाते हैं। जो आप इसका सारा कमर्शियल एरिया है F17 का ये आप इसका कमर्शियल एरिया देख रहे हैं। अंदर जो कटिंग है सारी वो सारी 14 मरला की है। जो सामने जो घर बने हुए हैं ये सारा 14 मरला के। तो फुली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है फुली ऑपरेटेड है। आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इस वक्त मैं जो हूँ वो
मल्टी में आ गया हूँ F-17 4 में। ये अब आप जो सामने बुलेवार्ड देख रहे हैं ये मल्टी का है, और ये सारी जो कटिंग है ये सारी 14 मरला की है मेरे लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे। इसकी अभी आपको मेन कमर्शियल भी दिखाता हूँ, मस्जिद भी दिखाता हूँ। टैली की आपने मस्जिद देख ली, आगे आपको आप इसकी F-17 की दिखाता हूँ जो मल्टी की है। ये दोनों अलग अलग हैं, TNT के जो है प्रोसीजर है ट्रांसफर्स वगैरह का, सोसाइटी के जो बाकी जो मामलात हैं वो आपके TNT हैंडल करती है। मल्टी के जो है वो मल्टी हैंडल करती है, मल्टी का ऑफिस G8 में। इसका यहाँ पे भी साइड ऑफिस है मल्टी का भी और टैली का भी, दोनों का साइड ऑफिस है, लेकिन मल्टी का हेड ऑफिस जो है वो G8 में और TNT का हेड ऑफिस जो है वो F-11 में है। तो ये मेरे अब राइट साइड पे आप देखें तो ये इसका मेन कमर्शियल एरिया है, ये इसका कमर्शियल है सारा, और इसके साथ ही आपको इसकी सेंट्रल मॉस्क मिल जाती है, ये इसकी मॉस्क है, ये इसका कमर्शियल एरिया है सारा। और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है इसका ये सारा सेंट्रल पार्क आ गया, इसका सेंट्रल पार्क। और ये जो आप सामने घर देख रहे हैं सारे, वो सारे जो है 7 मल्ला की यहाँ पे ये इसकी कटिंग है सारी। मेरे राइट साइड पे जी आपको यहाँ पे डिस्पेंसरी मिल जाती है, ये इसकी डिस्पेंसरी है छोटी सी, यहाँ पे डॉक्टर और कंप्यूटर वगैरह यहाँ पे आपको वो भी मिल जाते हैं। तो इस वक्त मैं मल्टी में आ गया हूँ, टैली आपको मैंने विजिट करवा दिया, इस वक्त मैं मल्टी में हूँ। मल्टी प्रोफेशनल जो है जी एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें आपका B-17 है, इस्लामाबाद गार्डन्स है, मल्टी रेजिडेंशिया जो प्रोजेक्ट है आपका टेक्सला में, ये तमाम प्रोजेक्ट एक ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्टर्स के हैं, एक ही ग्रुप के हैं। इनका हेड ऑफिस जो है वो G8 में है। तो ये जो है जिधर हम आप घूम रहे हैं F-17 में, ये भी मल्टी के अंदर आता है, ये भी मल्टी के हाउसिंग मल्टी के सेक्टर। ये अब इसका मेन बुलेवार्ड आप देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे ये दारे एलकम आ गए, ये इसका स्कूल है दारे एलकम। अब यहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग है सारी वो आपकी 14 मरला की है। मेरे राइट साइड पे आप देखें तो आपको 14 मरला की ये सारी कटिंग मिल जाती है यहाँ पे, तो फुली डेवलप है। 100 फुट का इसका मेन बुलेवार्ड है, 40 फुट की इसकी अंदर वाली गली है, और 5 या 6 गलियां जो है इसकी वो 60 फुट की हैं। 60 फुट की जो गली है उसमें आपका 12 या 14 मरले की कटिंग है, 40 फुट में 7 मरला की कटिंग है। ये राइट साइड पर अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये अब इसकी 40 फुट की गली है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं तो आप देखें जी 40 फुट की गली में सारा आपको 7 मरला की जो है वो कटिंग मिल जाती है। तो सोसाइटी की चारों साइडों पर बाउंड्री वॉल मौजूद है, ये सामने इसकी बाउंड्री वॉल आ गई है, यहाँ पे आके मल्टी जो है वो खत्म हो जाता है। अपोजिट साइड पे जो लैंड है ये आपका फैसर रेजिडेंशिया है, जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, ये सारा नॉन पोजेशन है। मैं थोड़ा सा आगे जाके लैंड आपको दिखा देता हूँ। ये जो सामने बाइक और वो जो ब्लैक गाड़ी घूम रही है, ये जो सारी लैंड आप देख रहे हैं ये फैसल रेजिडेंशिया की लैंड है। इसके ऊपर की साइड पे आपको वो वाटर टैंक नजर आ रहा होगा, अवर वाटर टैंक, वो आपका E-11 और E-12 जो CDA सेक्टर है, कैबिनेट डिवीजन के जो सेक्टर्स हैं वो हैं दोनों, और ये सारी फैसल रेजिडेंशिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग आपको बता दें, 2 इसके सेक्टर्स हैं मल्टी के और TNT, 2 सेक्टर्स हैं, फुली डेवलप है, आपको मार्केट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। स्कूल मैंने आपको दारे इलकम दिखा दिया, एजुकेटर भी यहाँ पे TNT में एजुकेटर भी है, और मस्जिद आपको मिल जाती है, मार्केट्स आपको, पार्क्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर इन दोनों सोसाइटियों को कंपेयर करें TNT को और मल्टी को, तो मल्टी की जो डेवलपमेंट्स हैं या मल्टी की जो आप कंडीशन देखें तो वो TNT से बेहतर है। यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रेडिंग हो रही है इस वक्त वो मल्टी में ही हो रही है, और मल्टी में ही आपको अच्छे प्लॉट भी मिल जाते हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट TNT की निस्बत आपको मल्टी में अच्छे मिलते हैं। जबकि मल्टी की और TNT की प्राइस की बात करूं तो मल्टी जो है वो एक महंगा है, 10 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस है दोनों सेक्टर्स में। वो 7 मरले का प्लॉट हो या 14 मरले का प्लॉट हो, इसमें आपको 7 से 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का भी अमूमन आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाता है दोनों सेक्टर्स में। TNT में लैंड के मसला है, वहाँ पे फाइलें उन्होंने बेच दी हैं, वहाँ पे आपको नॉन पोजेशन एरिया भी मिल जाएगा, जबकि मल्टी में आपको नॉन पोजेशन नहीं मिलता, मौके पे जाके आप जो है वो प्लॉट देख सकते हैं। इस वक्त मैं सारे इसमें घूम रहा हूँ, दारे इलकम की ये दूसरी ब्रांच आप देख रहे हैं, ये कुरान कैंपस है, यहाँ पे ये एबस करवाते हैं, वहाँ पे इनका स्कूल है, ये इनका दारे इलकम का मदरसा टाइप आप समझ लें इनका, ये वो है। ये मेरे राइट साइड पे आप देखें तो ये इसका सारा कमर्शियल एरिया चल रहा है, ये मल्टी का सारा कमर्शियल एरिया है यहाँ पे सारा। और मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप ये अंदर गलियों का देख लें तो आपको गलियों में भी जो है वो घर बने हुए नजर आएंगे। तो फुली डेवलप है, तकरीबन 60% या 75% ये डेवलप सेक्टर्स हैं मल्टी, जबकि TNT जो है उसने भी डेवलप होना है, वहाँ पे डेवलपमेंट यानी घर वगैरह भी वहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे, वो भी सेक्टर डेवलप ही है, लेकिन इतने नहीं बने हुए जितने मल्टी में बने हैं। मल्टी की क्योंकि इन्वायरमेंट और कंडीशन
अच्छी है MT NT की नस्बत, तो लोगों का ज्यादा रुझान जो है वो आपका इस तरफ है मल्टी में। मल्टी में भी प्लॉट्स की कटिंग 7 मरला 10 14 मरला है और 1 कनाल है। तो अगर प्राइस की बात करूँ तो 7 मरले का प्लॉट आपको TNT में जो है वो 70 लाख रुपए में मिलता है, 70-75 लाख रुपए में, जबकि मल्टी में आपको 7 मरले का प्लॉट जो है वो 85-95 इस ब्रैकेट में आपको 7 मरले का प्लॉट मिलता है। 14 मरले का प्लॉट 1.25-1.30 करोड़ में मिल जाता है, जबकि कनाल का प्लॉट जो है वो आपको 1.25-2 करोड़ रुपए में मिलता है। ये मल्टी का गेट है, ये मेरे सामने आप अगर आप देखें, क्योंकि हमने बाहर जाना है तो ये मल्टी का गेट है। पहले यहाँ से यही गेट जो था वो यूज होता था, TNT वाले भी और मल्टी दोनों यही गेट जो है वो यूज करते थे, लेकिन अब क्योंकि TNT वालों ने अपना सेपरेट गेट बना लिए तो अब TNT वाली ट्रैफिक वहाँ चली गई, मल्टी वाले जो है वो यहाँ पे आ गए। तो ये था आज का TNT F17 का विजिट, मल्टी का और TNT का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी मल्टी और TNT में अपना प्लॉट सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हम आपका टाइम अरेंज करेंगे और आपको फिजिकली जो है इन दोनों सेक्टर्स का जो है वो विजिट करवाएंगे और प्लस माइनस पॉइंट जो इसके हैं वो आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MR रहमान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल MR रहमान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो इजीली आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मिर्ज़ा रियाज को इजाज़त दीजिए।